लसोड़ा की सब्जी। ये लसोड़े हैं, इसका अचार भी डलता है। इसकी खूबी है इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। आइए अब लसोड़े की सब्जी बना लेते हैं। लसोड़ा को गोंदी भी कहा जाता है, निसोरा रेठू भी कहा जाता है, और इसके पके हुए जो फल होते हैं ये मीठे होते हैं। इसको मैं 5 मिनट उबालूंगा घड़ी देख के, इससे ज्यादा नहीं उबालना है। बसंत के मौसम में इसमें फूल आते हैं और गर्मियां आते आते, गर्मियों के अंत तक आते आते इसके फल पक जाते हैं। लसोड़ा जो है काढ़ा कफ पतले दस्त पेट व सीने के दर्द को कम करता है, इसको पेट को नर्म करता है, प्यास को रोकता है। इसके उपयोग से पेट के कीड़े, दर्द, कफ, चेचक, फोड़ा और फुंसी, इनमें बहुत आराम आता है। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन उतार देता हूँ और इसे गैस बंद कर देता हूँ। अब हम लसोड़ों को ठंडा होने देंगे। मैं लसोड़े को अब इसमें से निकाल लेता हूँ और इसको प्लेट में रख दूंगा ठंडा होने के लिए। ये लसोड़ा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको डीसीड कर लेता हूँ, इसके बीज निकाल दूंगा। ये देखिए कितने आराम से इसका बीज निकल जाता है। और ये जो बीज निकल के जो हमारे पास फल बचा है इसकी सब्जी बनती है। ये देखिए इस तरह से इसको ये निकाल देना है, बहुत आसानी से निकल जाता है उबलने के बाद। ये और इनको ऐसे प्रेस करिए और ये खुल जाता है और इसको डीसीड कर दीजिए। बहुत इजी है, ऐसे प्रेस करिए दोनों दो उंगलियों से और ये बीज निकल के बाहर आ जाता है। ये जो लसोड़े हैं ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, बहुत चाव से इसकी सब्जी खाई जाती है। ये देखिए हमारा लसोड़े तैयार, अब मैं इनको छौंकता हूं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला और इसमें 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच मेथी और 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 8-10 करी के पत्ते। राई चटकने लग गई है और ये करी पत्ता भी चटकने लग गया है। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच हींग डाल देता हूं। इसको चलाते रहना है, जलने नहीं देना है मसाले को। फ्लेम मीडियम पे कर लेता हूं। अब मैं इसमें बाकी मसाले भी मिलाऊंगा। ये मैंने 1 बड़ी चम्मच सौंफ ली है, 2 बड़ी धनिया का पाउडर 2 बड़ी चम्मच, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। अब मैं इसको रोस्ट कर लेता हूं। अगर आपको शक होने लगे कि मसाला जलने लग गया है तो एकदम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। बहुत बढ़िया भुन गया है मसाला। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देता हूं। अब समय आ गया है इसमें लसोड़े मिलाने का। ये जो मैंने लसोड़े साफ किए थे इसमें डाल देता हूं और इसको हल्की आंच पे ही पकने दूंगा। देखिए
अच्छी तरह मसाले इसमें चिपक गए हैं। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही पकने देता हूँ। भाई यही तरीका इसका अचार डालने का है। अचार डालने के लिए हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और इसको फ्राई नहीं करते हैं, रोस्ट नहीं करते हैं, उबाल कर सुखा कर फिर हम यही वाले सारे मसाले मिलाकर सरसों के तेल में कर डाल देते हैं। इसको गोंदी भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो पेड़ से छाल से गोंद निकलता है जो कि आयुर्वेद में बहुत फायदेमंद है। इसका जो लिसलिसापन है ये हमारे पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ये गर्मियों में ही होता है और गर्मियों में जो बीमारियां होती हैं उनके लिए हर तरह से बहुत फायदेमंद है। ये फोड़े फुंसियां, पेट खराब होना, कफ होना, इन सब के लिए बहुत लाभदायक है। और ये लसोड़े की सब्जी तैयार हो गई है। लसोड़े की सब्जी को सर्व कर लेता हूं। बहुत सुंदर बनी है, खाने में स्वादिष्ट, फायदेमंद, हर तरीके के गुण है इसमें।